अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और खूबसूरत से ड्रोन व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं रोहित चोलिस्तान में। तो हमारा पिछला व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं उड़ना और हम यहाँ से लोधरा शहर से बाहर निकल के बहावलपुर की तरफ और बहावलपुर से हम चलेंगे रोही की तरफ। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को देख कर इंजॉय करें। तो यहाँ पर ट्रैफिक का थोड़ा सा रश है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्लो चलना होगा। जो ही हम आगे निकलते हैं तो हम बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से निकलेंगे और आपको लेकर चलते हैं अपनी खास जगह पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोधरा शहर से बाहर निकल चुके हैं और हम बहावलपुर की तरफ जा रहे हैं। हमारा काफिला रवा दवा है, लेकिन हम आपको ये शहर स्किप करेंगे क्योंकि हमने जाना है आज रोही चोलिस्तान में और वहाँ के दिखाएंगे आपको खूबसूरत से मनाजर, क्योंकि बारिश हो चुकी है और बारिश में देखते हैं कि वहाँ कैसे मनाजर लगते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, रास्ते में आने वाले देहातों को भी आपको दिखाते चलेंगे। तो इस वक्त हम एक खूबसूरत से देहात के ऊपर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जैसे जैसे रोही करीब आती जाएगी, ये हरियाली थोड़ी कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको हर तरफ से रेत ही रेत नजर आएगी। लेकिन बारिश हो चुकी है, ये एक अच्छी खबर है कि इस वक्त माहौल कुछ ठंडा है और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ पानी भी दिखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें, ये भी ऐड करते चलें कि रोही चोलिस्तान का बहुत बड़ा इलाका इस वक्त मौजूद है जिसकी कवरेज हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे करते रहेंगे और आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह घर बैठे बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर रोही चोलिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर लाइन है वो भी करीब पड़ता है। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आपको इसी चैनल पर वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मनाजर भी पसंद आ रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत से मनाजर हैं, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं रोहित चोलिस्तान में। तो वहां के खूबसूरत से मनाजर भी आपको अभी दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रोही में और बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बारिश की वजह से रेत जमी हुई है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात से चलना होगा। जी तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ मनाजिर आपको जो कि ड्रोन से दिखाए जा रहे हैं। बारिश हो चुकी है, रेत अच्छे से जम चुकी है और हम आपको दिखाएंगे अगर कुछ ना कुछ हमें पानी के ज़खायर नज़र आए, जिसे रोही में यहाँ चोलिस्तानी ज़ुबान में टोभे कहते हैं। और टोभे इस वक्त उम्मीद है कि भरे हुए होंगे क्योंकि रेत अभी गीली है। जी हाँ, ये देखिए सामने दो टोभा जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि पानी का ज़खीरा जिसे कह सकते हैं, जो कि रोही चोलिस्तान में टोभे बोला जाता है। तो ये टोभे इस वक्त भरे हुए हैं और यहाँ से जानवर भी और इंसान भी पानी इकट्ठे पीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ के रहने वालों के लिए। बहुत बड़ी कुर्बानी है कि वो किस तरह यहाँ पर बड़ी मुश्किल सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कितने वाफिर मकदार में पानी को पीते भी हैं और ज़ाया बहुत करते हैं। तो हमें इसके लिए हमें इस बारे में सोचना होगा।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं रोही चोलिस्तान का ख़ास इलाका। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे अगले व्लॉग्स, आने वाले व्लॉग्स में आपको और मज़ीद यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के लोगों से भी मिलवाएंगे, बातचीत होगी और यहाँ की कुछ सकाफ़त भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको बर वक्त मिल सकें। ये ऊंट डर रहा है इस वक्त ड्रोन की आवाज से, आगे आगे भाग रहा है, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं डराएंगे। और ये देखें कि एक टोबा है जो कि अब खुश्क होने के करीब है, पानी यहाँ पर बारिश की वजह से भरा था। ये कुछ कच्चे मकान आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि रोही में अभी भी मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत से ये मनाजिर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक खूबसूरत सा ड्रोन व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।